2020 में फिल्मों की रिलीज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बिग स्टार्स की किसी बैटल से कम नहीं होगी। अगर बात करें 2020 की क्रिसमस रिलीज की तो तीन बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने की तैयारी कर रही हैं। पहली होगी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसकी अनाउंसमेंट खुद आमिर ने अपने बर्थडे के मौके पर की थी। आपको बता दें, आमिर की ये फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक होगी। क्रिसमस 2020 पर रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म होगी लव रंजन की अजय देवगन और रणबीर कपूर स्टारर अनटाइटल्ड फिल्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फरहाद सामजी की फिल्म बच्चन पांडे भी क्रिसमस 2020 के मौके पर ही रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट हुआ है। इस लुक में अक्षय साउथ के राउडी लग रहे हैं और उनके इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2020 का क्रिसमस बॉक्स ऑफिस के इतिहास में एक नई जंग की दास्तान लिख सकता है। रणवीर सिंह अपने बिंदास स्टाइल और यूनिक फैशन स्टेटमेंट के लिए जाने जाती हैं। उनका फैशन भले ही अटपटा है लेकिन हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब उनकी वाइफ दीपिका पर भी उनके फैशन का असर होने लगा है। दीपिका भी अक्सर रणवीर के स्टाइल स्टेटमेंट को कॉपी करती दिखती हैं। हाल ही में दीपिका ने एक फोटोशूट की कुछ तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की। इन पिक्स में दीपिका एक पिंक कलर की कार्गो जैकेट में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। लेकिन इस पिक के पीछे की कहानी दीपिका का स्वैग नहीं बल्कि कुछ और है। दरअसल दीपिका जिस जैकेट को पहनकर अपना एटीट्यूड फ्लॉन्ट कर रही हैं, ठीक वैसी ही जैकेट फरवरी में उनके मियां जी भी पहने दिख चुके हैं। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए। रणवीर ने खुद इस जैकेट पहने हुए पिक को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया था। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया था कि एंग्री बर्ड के सीक्वल के हिंदी वर्जन में रेड के कैरेक्टर के लिए कपिल शर्मा अपनी आवाज दे रहे हैं। साथ ही अब इस फिल्म में कपिल के साथ साथ अर्चना पूरन सिंह और कीकू शारदा भी शामिल हो गए हैं। जहां अर्चना जेटा के लिए अपनी आवाज देंगी तो वहीं कीकू लियोनार्ड के लिए डब करेंगे, यानी कपिल शर्मा शो की फैमिली यहां भी नजर आएगी। वहीं हाल ही में कपिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कपिल रेड के टॉय के साथ नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में रेड की तरह बोलते दिख रहे हैं। So, because of monsoon, my throat is not well. So I was thinking, who is the best guy to dub my voice? So you guys can give your opinion. So I was thinking, what if I will call to Kapil Sharma, that guy from the Kapil Sharma show, which comes on Sony TV. I will call him tomorrow because I will ask him if he's not so busy, because he's a very busy guy. So, पिछले साल फिल्म धड़क से लाइमलाइट में आई जानवी और ईशान की जोड़ी पर फैंस की नजर हमेशा बनी रहती है। कभी डियर कॉमरेड को लेकर दोनों चर्चा में रहते हैं तो कभी बिजॉय नाम्बियार की रोमांटिक थ्रिलर को लेकर। पर इस बार इन दोनों के लाइमलाइट में आने की वजह खास है। एक टैबलॉइड की माने तो ईशान को अक्सर जानवी के घर पर देखा जाता है और वहां उन्हें काफी प्यार भी मिलता है। जानवी के पापा बोनी कपूर ईशान को काफी पसंद करते हैं और इस बार भी उन्होंने ईशान का खुशी खुशी अपने घर पर स्वागत किया। बताया जा रहा है ईशान के इस विजिट के दौरान जानवी की बड़ी बहन अंशुला तो दोनों को टीज भी कर रही थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते को शायद कपूर परिवार ने कबूल किया है। वैसे बता दें, हाल ही में खबरें आई थी कि करण जौहर के नेक्स्ट ईयर कॉमरेड के हिंदी रीमेक में ईशान और जानवी की जोड़ी नजर आएगी, लेकिन अब करण ने इन खबरों को अपने एक ट्वीट के जरिए कोरी अफवाह करार दिया है। वरुण श्रद्धा इन दिनों रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में बिजी चल रहे हैं। दोनों ही इस फिल्म के लिए जमकर डांस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म से नौरा फतेही के जबरदस्त डांस की एक वीडियो सामने आई थी। अब खुद वरुण ने भी फिल्म से अपने डांस की एक झलक अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए शेयर की है। इस वीडियो में वरुण व्हाइट टी शर्ट पहने डांस स्टेप करते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि वरुण के इस टी शर्ट पर स्ट्रीट डांसर लिखा हुआ है और वीडियो में आगे वरुण के टी शर्ट पर ही इन प्रोग्रेस का स्टैम्प भी दिख रहा है। फिल्म स्ट्रीट डांसर के लिए वरुण धवन पिछले काफी दिनों से खूब पसीना बहा रहे हैं। कुणाल खेमू जब से अपनी वाइफ सोहा के साथ लंदन पहुंचे हैं तब से इनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और फैंस को भी इनाया और तैमूर की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। हाल ही में तैमूर की एक पिक सोशल मीडिया पर सामने आई थी जिसमें वो गाय की एक डमी से दूध निकालते नजर आ रहे थे और अब तैमूर की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें तैमूर कुणाल खेमू के पैरों से लिपटे नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में कुणाल गोद में अपनी बेटी इनाया और रणविजय सिंह की बेटी कायनात को लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी तैमूर भागते हुए आते हैं और कुणाल की टांगों से लिपट जाते हैं। फैंस इस वीडियो को काफी लाइक कर रहे हैं और साथ ही तैमूर की इनोसेंस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
आलिया भट्ट उन स्टार्स में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी हर खबर से अपडेट रखती हैं। आलिया फिलहाल ऊटी में हैं और वो वहां अपनी अगली फिल्म सड़क 2 की शूटिंग कर रही हैं। इसके बाद फिल्म की टीम मुंबई, उत्तराखंड और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग करेगी। वहीं हाल ही में आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऊटी की कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें वो झूले पर झूलती नजर आ रही हैं और चारों तरफ हरी घास है। इन पिक्स को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, डोंट फॉरगेट टू प्ले। इससे पहले आलिया ने एक और पिक शेयर की थी जिसमें वो अपनी बहन शहीन और माँ सोनी राजदान के साथ नजर आ रही हैं। बता दें कि आलिया की सड़क 2 उनके फादर महेश भट्ट ही डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में आलिया के साथ अदिति रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट भी हैं। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज सीक्रेट गेम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी का गुरुजी वाला किरदार पहले सीजन से ही काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है। सीरीज के दूसरे सीजन के ऑन एयर होने से पहले ये खबरें आ रही हैं कि पंकज का ये किरदार ओशो रजनीश से इंस्पायर हो सकता है। आचार्य रजनीश 70 के दशक में उभरते हुए सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु और फिलोसफर थे। बाद में उन्हें US और अमेरिका सहित कई देशों में बैन भी किया गया था। एक टैबलॉइड के अकॉर्डिंग पंकज त्रिपाठी का किरदार उन्हीं ओशो रजनीश से काफी इंस्पायर है। बता दें इस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी के अलावा सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कालकी कोचलिन और रणवीर शौरी भी शामिल हैं। इस सीरीज का सीजन 2 15 अगस्त को रिलीज होगा। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया था कि मान्यता दत्त 29 जुलाई को होने वाले अपने हबी की 60th बर्थडे की ग्रैंड प्लानिंग कर रही हैं। वहीं संजय दत्त की बर्थडे से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज, संजय अपने 60th बर्थडे पर होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म प्रस्थानम का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब कोई स्टार इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। इससे पहले अजय देवगन ने भी अपने 50th बर्थडे पर दे दे प्यार दे के फर्स्ट लुक को रिलीज किया था। माना जा रहा है संजय बर्थडे के दिन फैंस के बीच जाकर ट्रेलर लॉन्च करेंगे। साथ ही बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक कस्टमाइज केक भी ऑर्डर किया गया है। साल 2010 में आई तेलुगु फिल्म का रीमेक है प्रस्थानम, जिसमें खुद संजय दत्त भी नजर आएंगे। इससे पहले संजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूटिंग की कुछ पिक्स और फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया है। इस फिल्म में संजय के साथ मनीषा कोइराला, अली फजल और जैकी श्रॉफ होंगे। तमिल फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर देव दत्त ने ही प्रस्थानम को भी डायरेक्ट किया है। हाल ही में बॉलीवुड 2020 ने आपको बताया था कि कैसे दीपिका अपने कैरेक्टर स्विच करने के लिए घर की सफाई और मेंटेनेंस करने में लगी रहती हैं, और अब इसी से मिलती जुलती एक और खबर सामने आ रही है जिसमें बिग बी अपने किरदार के स्विच के बारे में बता रहे हैं। हाल ही में बिग बी ने ट्विटर के जरिए अपने किरदार से दूसरे किरदार में जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। लगभग एक महीने से लखनऊ में गुलाबों सिताबों की शूटिंग कर रहे बिग बी ने कहा, जैसे जैसे फिल्म का स्केड्यूल अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके भीतर से गुलाबों सिताबों के किरदार का असर खुद ब खुद खत्म हो रहा है। बिग बी का मानना है कि उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स अभी से नजर आने लगे हैं। चूंकि गुलाबों सिताबों के बाद उन्हें केबीसी के लिए शूट करना है, इसलिए बिग बी अब केबीसी को लेकर सोचना शुरू कर चुके हैं। शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की तर्ज पर फिल्म के किरदार के लिए अपने बालों की कुर्बानी देने वाले अर्जुन कपूर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में अर्जुन खुद बता रहे हैं कि उन्होंने किस तारीख से और किस कारण से अपने बालों की कुर्बानी दी थी। Hey guys, so I'm finally ready to get rid of my caps. I know a lot of people have seen me wearing caps and wondering why I'm doing that for the last 6 months. मैंने अपने बाल मुंडवाए थे पानीपत के लिए on the 16th of November 2018, and today as we stand at end of July almost, and the film is done and I can finally get rid of my cap. Unfortunately with that I have to let go of all the caps जो मैंने collect किए हैं 7-8 महीनों में, जो बहुत मजा आया पहन के, लेकिन नाउ आई थिंक इट्स टाइम आई स्टार्ट रोमिंग अराउंड विद माय हेयर बीइंग विजिबल बिकॉज इट्स ग्रोन अप। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक रियलिटी शो की जज बनकर करीना ने अपना टीवी डेब्यू किया है, लेकिन हाल ही में शो से ब्रेक लेकर करीना वापस अपनी फैमिली के पास लंदन पहुंच गई थी, जिसके चलते शो में जज की कुर्सी को एक एपिसोड के लिए लोलो और दूसरे एपिसोड के लिए मलाइका को संभालनी पड़ी थी। लेकिन बॉलीवुड 2020 शो और बेबू से जुड़ी नई अपडेट लेकर आया है। आपको बता दें कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए बेबू वापस लंदन से मुंबई लौट चुकी हैं और दोबारा शो की शूटिंग में जुट गई हैं। इतना ही नहीं, शो के लेटेस्ट एपिसोड में करीना निखिल थाम्पी की डिजाइनर सूट में नजर आईं। करीना का ये आउटफिट ब्लैक कलर का था, जिसमें बेबो बेहद गॉर्जियस नजर आईं और एक बार फिर बेबो ने डांस रियलिटी शो पर अपने स्टनिंग लुक से धमाल मचाया।
दशकों से बॉलीवुड में हीरो का मतलब एक जैसा ही रहा है। हालांकि एक्ट्रेस तापसी पन्नू हीरो के इस बने बनाए जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती हैं। तापसी मानती हैं जिस दिन इंडस्ट्री और फैंस फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को खुले दिल से अपनाएंगे उस दिन ये बदलाव आ जाएगा। अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में तापसी ने कहा, मुझे लगता है हीरो का कोई जेंडर नहीं होता और मैं इसे साबित करने की कोशिश कर रही हूं। हम इतने सालों से अपने दर्शकों को एक बने बनाए ढांचे का हीरो देते आ रहे हैं। मुझे पता है ये बदलाव रातों रात नहीं आ सकता। बता दें तापसी पन्नू की पिछली दो रिलीज फिल्में बदला और गेम ओवर को क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पांस मिला। वहीं अब तापसी अपनी दो फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। नवदीप सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाल कप्तान पिछले दो सालों से सुर्खियों में है। हाल ही में सैफ स्टारर इस फिल्म के टाइटल और रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई थी और मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 6 सितंबर तय की थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म की रिलीज डेट खिसका दी गई है और इसका रीजन अगस्त और सितंबर में रिलीज हो रही कई फिल्में हैं। आपको बता दें कि साहू की रिलीज डेट बढ़ा दी गई है और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नितेश तिवारी अपनी फिल्म छिछोरी की रिलीज डेट को खिसकाकर 6 सितंबर करने वाले हैं और इसी वजह से नवदीप सिंह किसी फिल्म से अपनी फिल्म की टक्कर नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि वो लाल कप्तान की रिलीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफस्टाइल उनके फैंस और फॉलोअर्स को काफी अट्रैक्ट करती हैं। सेलेब्स के आलीशान घर, उनके वेकेशन, स्टाइलिश कपड़ों से लेकर उनकी महंगी एक्सेसरीज पर फैंस की खास नजर रहती है और अब अर्जुन कपूर अपनी लग्जरी वॉच की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। बॉलीवुड 2020 अर्जुन के वॉच की कीमत आपको बताने जा रहा है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हाल ही में अर्जुन मालदीव्स वेकेशन पर थे, जहां से उन्होंने अपनी एक पिक शेयर की थी। इस पिक में बोनी कपूर के लाडले एक महंगी लग्जरी वॉच पहने नजर आए थे। खबरों के मुताबिक अर्जुन कपूर की ये वॉच रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल याच मास्टर 2 सीरीज की है। इस कड़ी को 1992 में लॉन्च किया गया था और खास तौर पर नॉटिकल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। घड़ी में 18 कैरेट के सोने का इस्तेमाल किया गया है और इंडियन मार्केट में इस घड़ी की कीमत 27,57,000 रुपए है। टू पॉइंट और पेटा के रिलीज के बाद से ही रजनीकांत के फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब बॉलीवुड 2020 रजनीकांत के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आपको बता दें रजनीकांत एआर मुरुग दोस्त की फिल्म दरबार में नजर आएंगे और फिल्म में रजनीकांत एक कॉप की भूमिका में होंगे। कुछ टाइम पहले दरबार का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें रजनीकांत का स्वैग नजर आ रहा था, लेकिन अब इस फिल्म से रजनीकांत का कॉप लुक सामने आया है। शेयर की गई इस पिक में रजनीकांत पुलिस की वर्दी में अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में दिख रही है और इस फिल्म के जरिए रजनीकांत करीब 25 साल बाद पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे। बता दें दरबार एक तमिल फिल्म है, जिसमें रजनीकांत के ऑपोजिट साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा दिखाई देंगी और ये फिल्म अगले साल 15 जनवरी को रिलीज होगी।